हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बेटू और ओम खेल रहे हैं और मैंने जस्ट अभी कॉफ़ी पी है। मम्मी ने कॉफ़ी बना करके दी थी मुझको और इधर नानी और मम्मी भी। तो नानी और मम्मी चाय पी रही हैं और जो सबसे छोटे वाली मामी है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं और प्रियल नहा रही है और जो तीसरे नंबर वाली मामी थी, मामा मामी, वो लोग मैनपुरी जा चुके हैं। कल चले गए थे, हम लोग के साथ ही गए थे तो वो लोग वहीं रहते हैं। तुम भी जा रहे मार्केट? और बेटू का मूड ऑफ हो गया है, गुस्सा हो गई है, शूज उतार के फेंक रही है और प्रियल नहा रही है। और छोटू और अंबुज काम से गए थे, थोड़ा सा कानपुर, उनको कुछ काम था जरूरी, तो वो अभी लौट करके आ जाएंगे थोड़ी देर में। और आप सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरी मामी के बारे में, सबसे बड़ी वाली मामी कहाँ है और सबसे छोटी वाली मामी प्रेग्नेंट है क्या। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सारे आंसर दूंगी कि, तो चलिए, जो सबसे बड़ी वाली मामी है उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, वो परेशान होते हैं इस वजह से। और बस मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये थी मेरी बड़ी वाली मामी। और तो ये मामी प्रेग्नेंट नहीं है, इनका आज से 10 साल पहले 2007 में एक्सीडेंट हो गया था। मेरे जो मामा है BSF वाले, उनकी पोस्टिंग थी दिल्ली में। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे, मतलब पोस्ट थे ना, दिल्ली VIP एयरपोर्ट था जो, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। तो मामी लोग सब लोग दिल्ली में ही रहती थी। गौरी गुनगुन बहुत छोटी थी, ओम तो तब हुआ भी नहीं था ऑब्वियसली, बहुत छोटा है। तो ये होली के लिए घर आ रहे थे। जो मेरे तीसरे नंबर वाले मामा है जो मैनपुरी में रहते हैं, वो रोडवेज में जॉब करते हैं, रोडवेज में हैं। तो वो उन्हीं के साथ बस में आ रही थी। तो इनका 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। और क्या बोलते हैं, वो टाइम मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, बट आप सभी लोग इतना पूछ रहे थे इस वजह से मैंने इस चीज़ को शेयर किया है कि 2 साल मामी बेड पर रही हैं। और अभी मैं इनका आपको पैर दिखाऊंगी कि क्या हो गया है, इस वजह से इनका शरीर जो है ऐसा हो गया है। और जो गुनगुन थी वो ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी उसी टाइम, तो इस वजह से ऐसा हो गया। इस वजह से ऐसा हो गया। मामी प्रेग्नेंट नहीं है। और गौरी तब बहुत छोटी थी, क्या साल की थी गौरी? 2.5 साल की, 3 साल की थी गौरी, 3 साल की थी। और क्या बोलते हैं, गुनगुन 2.5 साल की थी जब उसकी, मतलब एक्सीडेंट हुआ था मामी का। तो हम लोग नए कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हुए थे तो एकदम से न्यूज़ मिली थी कि मामी का एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ऐसे गुनगुन के साथ हो गया। तो हम लोगों को यकीन ही नहीं हुआ था, ऑब्वियसली कोई यकीन नहीं करेगा। तो वो वक्त हम लोग याद ही नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों ने क्या क्या झेला है। 4-5 साल को लगातार हमने और मामी ने और जो सबसे छोटे वाले मामा है उन्होंने क्या झेला है, हम लोग जानते हैं। तो 10 साल हो गए हैं इस बात को, 10 साल से ऊपर ही हो गए हैं तब ये पैर की हालत है। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये हुआ होगा तो पैर की क्या हालत थी। डॉक्टर ने मनाही कर दिया था कि पैर बचेगा नहीं, कट जाएगा। तो मामा बहुत भागा दौड़ी मामा ने की थी। एक तो गुनगुन की तकलीफ थी, ऊपर से मतलब इतना था, मामी को तो बताया ही नहीं गया था। कितने दिन बाद तुम्हें बताया गया था? मामी को 1 महीने तक बताया नहीं गया था कि गुनगुन के साथ ये हो गया है। और मतलब वो सारी बातें मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो इतना ज़्यादा बुरा हो गया, इतना ज़्यादा बुरा हो गया है कि मैं उस चीज़ को याद ही नहीं करना चाहती। हम लोगों ने बहुत तकलीफ झेली उस टाइम पर। सोचिए 10-11 साल बाद पैर की ये हालत है तो उस टाइम कैसे होगी। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। और ये आ रही थी और सबसे छोटे वाले मामा है जो BSF में, वो तो ड्यूटी पर थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब आप ले जाओ आ करके और मैं बाद में होली पर आ जाऊंगा। तो ये थी, गौरी थी, गुनगुन थी और जो अमित मामा है जो मैं होली पर आपको दिखा रही थी, मेरे तीसरे नंबर वाले मामा, वो थे। तो जब एक्सीडेंट हुआ था वो गौरी को लेकर के सबसे आगे वाली सीट पर बैठे थे और मामी गुनगुन को लेकर के पीछे थोड़ा सा बैठ गई थी, 2-3 सीट पीछे। तो मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि बस का जो मेन शीशा होता है सामने वाला वो तोड़ करके एक साइड ड्राइवर की साइड में चलाते हैं, मतलब गुनगुन सहित उसमें पूरे 9 लोग खत्म हो गए थे और क्या बोलते एक साइड की बसें पूरी कट गई थी। और जो अमित मामा और गौरी थी वो बस का क्या बोलते हैं जो शीशा था सामने वाला वो तोड़ करके सड़क पर गिरे थे जाकर के बहुत दूर, वरना शायद आज वो भी नहीं होते साथ में। तो उस चक्कर में गौरी के ऊपर बहुत ज्यादा ही मतलब फोकस किया गया, बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, उसको मैं कहते हैं बहुत ज्यादा लाड से पाला गया है। कुछ भी सब चीज की, खाने पीने की, हर चीज की, वैसे तो हर बच्चे के लिए होता है बट उसको कुछ ज्यादा स्पेशल तरीके से ट्रीट किया गया है। और तो यही थी 2 बहुत ज्यादा ही बुरी बातें, बहुत ज्यादा ही बुरा वक्त जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और आई होप आप लोगों को अब आपके आंसर मिल गए होंगे। इस वजह से मतलब वही मामी का शरीर ऐसा हो गया, इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं और जो बच्चे हैं वो भी ऑपरेशन से हुए हैं और अभी तक दवाइयाँ, इंजेक्शन और कितनी सारी तो सर्जरी हो चुकी है मामी की। तो आप लोग इतना मतलब पूछ रहे थे, इस वजह से मैंने इस चीज को शेयर किया है। तो क्या बोलूं मतलब मैं, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 और आज हम लोग ना थोड़ा सा ऊपर टहलने आ गए हैं और मेरे ना यहाँ पर एक दाना सा हो गया था, वो ऐसे ना सूख सा रहा है। हाँ, तो 6:45 हो रहा है और हम छोटू, प्रियल और ओम टहलने आ गए और मॉर्निंग में ना थोड़ी सी ठंडक है और आधे घंटे से हम लोग टहल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है, मतलब दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। और सामने ना बहुत ज़्यादा बंदर कूद रहे हैं, मतलब सुबह सुबह ना बंदरों का खेलने का मूड होता है तो बंदर बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते हैं। पीछे पेड़ पर है, काफ़ी देर से बंदर कूद रहे हैं। और ओम तुम्हें क्या हो गया? ठंड है तो नीचे चले जाओ। अच्छा, गुड मॉर्निंग बोल दो सबसे और बोल दो जय श्री राम। जय श्री मान जय श्री मान बोलता है जय श्री राम को। तो आपको एक मेरे लिए तो गुड न्यूज़ ही है। मेरे लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं। वो मॉर्निंग में आ गए थे, सुबह क्या बोलते हैं 5:45 पे आ गए थे, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो वो क्या बोलते हैं गाड़ी से नहीं आए, बस से आए इस बार। तो थोड़ा सा थक गए हैं और ठंडक भी लग गई उनको, क्योंकि बस में हवा लगती रहती है ना, उस तरीके का सफ़र नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ठंडा गए तो लेट करके वो सो गए हैं और तभी मैं सोची हूँ एक वीडियो अपलोड कर दूँ। काफ़ी लोग मुझसे हाउस टूर का पूछ रहे थे कि हाउस टूर भी बनाओ, नानी के घर का हाउस टूर भी बनाओ। तो मैंने वो बना दिया था होली वाले दिन बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी उसको, तो वही एडिट करके कल रात में मैंने सेव कर दिया था और अभी मैं उसको सोची अपलोड कर दूँ। तो 10-11 बजे तक चला जाना चाहिए और अभी थोड़ी देर बाद बस वॉक करूँगी फिर चली जाऊँगी नीचे। आज मेरे हस्बैंड शादी करेंगे, शादी करने के बाद मतलब शादी अटेंड करेंगे, शादी अटेंड करने के बाद फिर हम लोग कल निकल जाएंगे। कल फ्राइडे है ना, हाँ कल निकल जाएंगे हम लोग दिल्ली के लिए। मुझे तो अभी इसे ख़राब लगने लगा सोच के कि कैसे क्या होगा। तो चलिए मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सा थोड़ी देर में जाऊँगी, मतलब 10-15 मिनट बाद और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होती तब आप लोगों से मिलते हैं। और आज है फिर मैं दिन भूल गई। हाँ नहीं, आज थर्सडे है, याद आ गया, क्योंकि कल मुझे जाना है, कल फ्राइडे है, तो आज है थर्सडे। मैं स्टॉल ढूंढ रही, प्रियल मेरा स्टॉल देख देना कौन सा। तो आज है थर्सडे और कल मैंने ना दोपहर के बाद व्लॉग ही नहीं बनाया। खाना खाने के बाद कल खाने में बने थे छोले भटूरे, वो खाए, फिर एकदम से पता नहीं आलस आ गया, फिर मैं लेट करके सो गई और मुझे बिल्कुल मन ही नहीं किया। कभी कभी होता है ना, कुछ भी ना करने का मन करता है, तो कल वैसा ही हो गया, काम करने का मन नहीं करता, तो खाना खाने के बाद बहुत आलस आ गया, फिर कल मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया बिल्कुल भी। और आज मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5:45 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि वो आ गए हैं, तो इस वजह से हम लोग उठ गए। फिर वो आ करके थोड़ी देर होके उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुए, नहाया धोया, उसके बाद वो चले गए अपनी नानी के घर। उनका भी नानी का घर यहीं पास में है, मतलब 15-20 मिनट की दूरी पर है, तो वो वहाँ चले गए हैं। और अभी दोपहर के कितना टाइम हो रहा है, तो अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तो आज मैं चली जाऊँ। और कल मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर मैं निकल जाऊँगी दिल्ली के लिए। और प्रियल इधर फोटो ले रही है, सेल्फी ले रही है। तो हम प्रियल छोटू हम 3 लोग जा रहे हैं। और जो गौरी है वो मैनपुरी में जो मामी रहती है, वो उनके यहाँ 2-4 दिन के लिए रहने गई है। तो आज का व्लॉग ना, मतलब कल से मैं आज डायरेक्ट बना रही हूँ। कल मुझे बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की। मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग मार्केट से लौट कर आ गए हैं और बेटू सो रही है, ये सो गई है। और जब सुबह ना इसकी पापा इसको छोड़ करके गए थे, तो इतनी गुस्सा हो गई कि किसी से बात भी नहीं कर रही थी। बट फिर थोड़ी देर बाद इसका मूड सही हो गया। इसको ये लग रहा था कि पापा इसको भी लेकर के जाएंगे, अम्मी जाएंगी, तो वही बोल रही थी पापा घूमी, मम्मा घूमी। बट बच्चे हैं ना, थोड़ी देर में इसका मूड सही हो गया। और अभी खाने की तैयारी चल रही है, सब लोग मतलब मामा खाना खा रहे हैं, तो वो छोटे उनको परस रही है। और अभी हम लोग भी थोड़ी देर में खाना खाने चले। उसके बाद मैं ये वीडियो में अभी यहीं पर एंड कर दूंगी, क्योंकि इसको मुझे एडिट भी करना होगा। एडिट करके मैं सेविंग पे लगा दूंगी, क्योंकि कल पता नहीं फिर मैं कब दिल्ली के लिए निकल जाऊँ। और उसके बाद ना शायद 1-2 दिन तक वीडियो नहीं आ पाएंगे, तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि मैं फ्राइडे को जाऊंगी, फिर मतलब रात में पहुंचूंगी, फिर सैटरडे संडे, तो हो सकता है कि वीडियो 2-3 दिन ना आए। तो मैंने सोचा मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि होता क्या है ना, जब ये यहाँ से जाती है तो ये अकेले वहाँ रह जाती है ना दिल्ली में, तो ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है मुझको। इतने सारे लोगों में से जाएगी, तो सबसे मतलब पहली प्रायोरिटी तो मेरे लिए यही है ना, मेरी बेटी, तो इस वजह से मुझे इसको देखना रहेगा। और मुझे लग रहा है मुझे बहुत परेशान करने वाली है। वहाँ पर एकदम शांति है, कोई खेलने के लिए नहीं है, कहीं बाहर जाने के लिए नहीं है, तो ये चीज़ की मुझे टेंशन हो रही थी। तो पहले मैं इसको संभालूंगी, तो 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाएंगे मेरे हिसाब से। और अगर ये नहीं परेशान करती है तो मैं स्टार्ट कर दूंगी वीडियो बनाना। तो बस यही सारी बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और बस अभी खाना खा करके मैं यही वाला व्लॉग एडिट कर दूंगी। और आज मैंने हाउस टूर वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, तो मेरा रेडी था, मतलब कल मैंने रेडी कर लिया था एडिट करके, और बनाया था होली वाले दिन, इसीलिए सब लोग उसमें तैयार से लग रहे हैं। जो होली में मीट एंड वेट वाला डे था, उसी दिन मैंने वीडियो वो बना दिया था हाउस टूर वाला। तो बस ये सारी बातें हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।